फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर का है, ये सामने जो पड़ोसन है वो जन्माष्टमी मतलब करती हैं, तो उन्हीं के मंदिर का है, सब वीडियो बना लिया और कितना खूबसूरत मतलब डेकोरेट किया है उनके बच्चों ने, ये डेकोरेट किया है। कितना अच्छा लगता है ना जब त्यौहार का सीज़न आता है तो घर में डेकोरेशन होता है। मैं भी डेकोरेट करती थी जन्माष्टमी, पर मेरा तबीयत सही नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया और आगे भी मैं नहीं करूँगी। मेरा मन्नत था 5 साल का, वो मेरा मन्नत पूरा हो गया तो मैंने 5 साल तक जन्माष्टमी की है, अब जन्माष्टमी में नहीं करूँगी। तो ये सामने वाली भाभी का घर है, उनका मंदिर है, तो इनके बच्चों ने ये डेकोरेशन किया है और मैं, मेरे बच्चे भी यहाँ आए हुए थे भजन कीर्तन के लिए। 12 बजे के बाद उनका जन्म होगा, आरती होगी, तो 12 बजे तक हम सभी ने मिलके भजन किया और सब पड़ोसी भी आए हुए थे, कुछ आ गए थे, कुछ आने बाकी थे। मैं आगे आपको पूरा भजन सुनाऊंगी, प्लीज़ पूरा भजन सुनिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये भजन कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब 12 बजे तक ऐसे ही गाते बजाते 12 बजे तक जगे थे। उसके बाद जन्म हुआ था और ये देखिए, ये छोटे कान्हा लड़की है ये, पर कान्हा बनी थी, पर ये बहुत अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जन्माष्टमी।